जयमसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे याजकों के पवित्र वस्त्र और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 28वां अध्याय की पहले से लेकर 5वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब 28वां अध्याय पहले से 5वीं आयत तक। याजकों के पवित्र वस्त्र। फिर तो इजराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब और अबीहो और एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा है वो पहाड़ के ऊपर है, पवित्र पहाड़ के ऊपर है और यहोवा परमेश्वर उसे निर्देश देने दे रहे हैं कि किस प्रकार के याजकों के वस्त्र है वो होने चाहिए और वो कौन लोग है जो कि याजक बनेंगे। और जो शुरुआती जो याजक बनाने के बारे में जिनका जिक्र किया गया है वो है हारून और नादाब अबीहो एलियाजर और इतामार नामक उनके पुत्रों को अपने पास ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। ये जो बड़े लोग थे इनके पुत्रों को परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे पास लाना ताकि ये याजक बने, इनके पुत्र है वो याजक बने। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनाना। और इसके अलावा इसने कहा कि तेरा जो भाई है हारून उसके लिए बड़े ही जबरदस्त टाइप के अच्छी क्वालिटी के वैभव जिसमें झलकता हो ऐसे वस्त्र उसके लिए बनाना हो। और जितनों के हृदय में बुद्धि है जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे और उसके वस्त्र बनाने की आज्ञा उन कारीगरों को दो जो कि सर्वश्रेष्ठ है और उनको सर्वश्रेष्ठ कारीगर मैंने ही बनाया है, उनको अच्छी बुद्धि मैंने ही दी है कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। और आगे लिखा है जो वस्त्र उन्होंने बनाने होंगे वे ये है। और यहाँ पर मूसा से परमेश्वर कहते हैं कि जिन टेलरों को जिन दर्जियों को जो वस्त्र बनाने होंगे वे इस प्रकार के होने चाहिए अर्थात सीनाबंद एपोद और बागा चार खाने का अंग रखा पगड़ी और कमरबंद ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए। ये जो आप वस्त्र बताए इन्हें ही उन टेलरों को बनाना है हारून और उनके पुत्रों के लिए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें और ये वस्त्र पहनकर ही वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। और इसको बनाने के लिए है सोने नीले और बैंगनी और लाल रंग का सूक्ष्म सनी का कपड़ा लेना है। तो आज हमने देखा याजकों के वस्त्र किस प्रकार के होने चाहिए इस बारे में परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा। अगले वीडियो में हम देखेंगे एपोद के बारे में, लेकिन फिलहाल इतना ही। पूरा वीडियो देखने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह की, जय हिंद।